होप यू गाइज लाइक्ड दिस वीडियो ऑफ मॉन्टी रॉय. उसको रोस्ट करने के लिए लोग उठा रहे हैं लेकिन रोस्ट नहीं कर पा रहे हैं. इज एक्चुअली गुड एंड वेरी टैलेंटेड इन हिज आर्ट एंड एज एन आर्टिस्ट इज ब्रिलियंट पर्सन. सो काट साट के आपको मजा आया ना तो लाइक कीजिए वीडियो को. चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यार भाई बहन का चैनल सब्सक्राइब करो और ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि ट्रिकेट इंसान का आई थिंक ये वीडियो में उसका बर्थडे की विशेस आ रही थी. दो दिन में भाई को भी विशेस आने वाली हैं क्योंकि इट्स क्रिशर्स बर्थडे. दो दिन में नहीं, कल है मेरा बर्थडे. परसों है तेरा बर्थडे. 20 आज 28 लग गई है, 29 तारीख को है. तू देर रात को वीडियो डाल रहा है तो ये वीडियो 28 तारीख को 27 हो रही है. हो गए 28 लग गए. कल आएगा तेरा बर्थडे. क्या चरखट बहन है. तो हमारे भी बर्थडेज आने वाले हैं. 29 को मेरा है और 2nd को छोटी शिल्पी जो भी बोलो आपकी सिस्टर बोल लो उसका. और हम बर्थडे पे अवेलेबल नहीं होंगे, हम वीडियोस नहीं डालेंगे. क्यों? अभी मैं बाहर चला जाऊंगा. हाँ इसलिए एडवांस में विश कर लीजिए. तो कमेंट करके बोल दीजिएगा. मैं तो मुझे तो काम रहेगा, मैं बिजनेस टूर पे जाऊंगा तो छोटी लाइव आएगी. मैं लाइव क्यों? अपने बर्थडे पे छोटी लाइव आएगी. मैं लाइव नहीं आ रही. आ जाना. मेरे को नहीं आता. लाइव आ जाना यूट्यूब पे. लोगों से थोड़ा विशेस ले लेना, थोड़ा थैंक यू बोल देना. एडवांस में कली कुशल के साथ मेरे को भी एडवांस में विशेस दे देना. इतना कर देना सब्सक्राइबर्स हो गए. 5 मिनट्स लाइव आ जाना. कल आते हैं. सीरियसली बोल रहा हूं, कल आते हैं. मैं बोल रहा हूं बाहर जा रहा हूं तो कल. हां मैं बाहर जा रहा हूं. कल थोड़ी जा रहा है तू, परसों जा रहा है. मैं बाहर जा रहा हूं. हां निकल पहली फुर्सत में. हाय दोस्तों, मेरा नाम है कुशल और मैं शिल्पी. आज हम किस पे रिएक्ट कर रहे हैं? रियल रिएक्शन एंड ऑनेस्ट रिव्यू. So real reactions and honest review are here. आज react कर रहे हैं. Triggered इंसान. और topic है बहुत ही चर्चित TikTok के इस वक्त के trender और वो है Monty Roy. वो है ये girl या boy या जो most yes most तो काफी लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि मोंटी रॉय की वीडियो पे रिएक्ट करें. हमने दो वीडियो पे बना चुके हैं जो धीरू की थी और लोग चाहते हैं कि और मोंटी रॉय की वीडियो बने. चस्का लग गया है लोगों को मोंटी का. तो चलिए देखते हैं एक बार मोंटी रॉय को. इसका नाम मोंटी रॉय नहीं होना चाहिए, तो कुछ और होना चाहिए. क्या होना चाहिए? वो वीडियो मोंटी रॉय नहीं, देखता हूँ उसके बाद कोई नाम सजेस्ट करो. 2-1 इसलिए हारमोनियम बजा रहे हैं कि वालिद जो थे अब्बा हमारे वो ये हारमोनियम छोड़ के मरे थे. तो अब्बा हारमोनियम बजाते थे? नहीं, अब्बा हारमोनियम खाते थे. अबे साले कभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता. इधर उधर निकल जाता. ये बात ये जाहिर बात है. अब्बा हारमोनियम बजाते थे. कहाँ बजाते थे? किसी के पीछे बजाते थे. किसके पीछे बजाते थे? ऊँट के पीछे. क्या कमाल का बर्थडे था यार. इतनी ज्यादा बर्थडे विशेस आई, इतने प्यार भरे मैसेजेस, मतलब मजा आ गया यार. थैंक यू सो मच. मतलब तुम लोगों की वजह से ना दिस वाज द बेस्ट बर्थडे एवर. लेकिन अभी बहुत छुट्टियां एंजॉय कर ली, नाउ टाइम टू गेट बैक टू वर्क. तो एक काम करते हैं, ईमेल्स वगैरह चेक करते हैं क्या ईमेल आए हुए हैं. रागिनी रॉय कहती है मेक अ रोस्ट वीडियो ऑन मोंटी रॉय. मोंटी रॉय ये कौन है? अच्छा नीचे इन्होंने वीडियोस भी अटैच करी हुई है मोंटी रॉय की. चलो फिर देखें भाई कौन है मोंटी रॉय. इसका रोस्ट क्यों करूं मैं? कितनी प्यारी है ये. इसको नहीं पता है. मुझे
रागी नहीं जी, मुझे एक बात बताओ, मोंटी रॉय का रोज मतलब इतनी प्यारी लड़की है, इसका रोज कैसे कर सकता हूँ मैं? और भी वीडियोस हैं तो चलो वो भी देखते हैं। रागी सावन लग रही है ना? एम्बुलेंस क्या हो रहा है? ए क्या मेरे को थोड़ी हो रहा है कुछ? शाहरुख खान बन रहा है, शाहरुख खान याद आ रहा है। मुझे लगता है प्यार हो गया मुझे यार। और वीडियोस भी है भाई, और भी केयर सी में करता कुछ ज्यादा नहीं, मैं थोड़ा जया मांगता रब तेरे केयर सी में करता कुछ ज्यादा नहीं, मैं थोड़ा जया मांगता एक बंगला पवा दे दूजा दुनिया फिर आज तीजा बन जा मैं सुपरस्टार। बन गया शाहरुख का, बन गया इस वीडियो में। बेटा सारे सपने टूटने वाले हैं। प्यार हुआ। ये लड़की कितनी प्यारी है, कितनी सुंदर है ये लड़की। रूपा, 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 रूपा। आई रे जवानी जैसे ऋतु पानी, पगली ये दीवानी टूटा दिल बिना जुड़े टूट गए। अरे नहीं, समझ सकते होता है, होता है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। एटीट्यूड थोड़ा रेशम अदाएं अदाएं अच्छा लड़की होती तो कौन सा पटा लेता। यार कब से बताऊंगा मैं किसी को कि मेरा प्यार अधूरा रह गया, मेरा पहला प्यार अधूरा रह गया, वो भी इसलिए क्योंकि वो एक लड़की नहीं लड़का है। बच्चा भी है तू यार। मस्ती ये राखी है ना, राखी जैसी लगती भी है, राखी है। ऑपरेशन के बाद मोंटी रॉय भी राखी जैसी लगती है। एक एक वो वाइट ड्रेस में देख तो मैंने वक्त बदल वक्त बदल दिया। अभी तक अपने दिमाग को ये नहीं समझा पा रहा हूँ कि ये लड़की, इतनी सुंदर लड़की जिसको मैंने अपना दिल दे दिया था, ये लड़की आई नहीं, ये तो लड़का है। अरे शर्म करो, कुछ अच्छा काम करो, अच्छे वीडियो बनाओ। अरे मजाक हो रहे नहीं, ये मजाक हो रहा है। आई मजाक हो रहा है, सुना था टिकटॉक वाले धोखेबाज है, पर ये इतने आधे पार गए। ये क्या है, मर्द के पुत्र मरो मर्द की बोल कौन रहा है, दीपक दलाल हो गया। इतनी बंदी सुंदर मैंने एक नी, दो नी, दस नी, बीस नी, सौ हजार बार ये बात बोली है एंड बार बार बोलूंगा, टिकटॉक ने इस देश की दुर्गति कर दी है। अब क्या करेगा, अब ये कंट्री की फाट मतलब दुर्गति हो गई। और ये टिकटॉक वाली है जो आगे नहीं बढ़ने दे रहे यार, मतलब लड़के मेकअप लगा के लड़कियां बन रहे हैं, और ऐसी वैसी लड़कियां भी नहीं, मतलब लड़कियां भी कॉम्प्लेक्स खा जाए ऐसी लड़की बन रखा है यार ये बंदा। अगर सामने वाले को ना बताओ ना कि ये लड़का है, पता ही चलेगा। हाँ जूसा, ये सारी गलती ना चाइना वालों की है, उन्होंने शुरू करा ना वो मेकअप वाला, वो जो कुछ भी बन जाते हैं।
यहाँ से नहीं निकालेगी। क्या बन जाएगी? ओरिजिनल शक्ति देखो क्या से क्या बन गया। नो 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 रब ने हुसन दिता बहुत ज्यादा लग रहा है इसमें वाइट कर दिया पूरा इस लड़की के लिए तो लाइनें लग जाए भाई लड़कों की रिश्तों की लाइनें लगी हो इस लड़की के लिए इसके प्यार में पागल लौंडे अपनी हाथ की नजर काट रहे हैं पता चल रहा है ये तो लड़का है और भाई तुम मेकअप करके शक्ल तो बदल लेते हो जो भी है मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। आई एम नॉट होमोफोबिक। तुम क्या बनना चाहते हो लड़का बनना चाहते हो लड़की बनना चाहते हो या फिर कोई और जेंडर आई हैव नो इशू लेकिन यार ये तो धोखा है यार मैं ऑनेस्टली तुम्हें बताता हूँ मुझे नहीं पता था कि मोंटी रॉय कौन है एंड मैंने ईमेल में जब पहली वीडियो देखी एंड आई वाज लाइक यार इसका रोस्ट मैं एक्चुअली मैं क्यों करूँ ये तो अच्छी खासे सुंदर दिखने वाली लड़की है लेकिन जब नीचे वाली दो तीन वीडियो देखी तब पता चला कि ये लड़का है भाई तब तो मेरे कदम से तोते उड़ गए। वक्त बदलती है जज्बात बदलती है जिंदगी बदलती है दिमाग खराब हो गया कि सही में भाई एक लड़का मेकअप करके इतनी सुंदर लड़की बन जाता है भाई तालियां इस बंदे के लिए जो इतना बढ़िया मेकअप कर लेता है लेकिन भाई ऐसे काम ना करो यार खुदा से डरो भगवान से डरो यार शर्म करो अरे शर्म करो ऐसे मेकअप करके लड़की बनकर घूम रहे हो लड़कों के साथ इमोशंस के साथ खेल रहे हो तो एनीवे बात करते हैं मोंटी रॉय की। दो दिन पहले मुझे भी नहीं पता था कि मोंटी रॉय कौन है पर जब उसका जिरू मोंची की वीडियो से परिचय हुआ कि मोंटी रॉय टिकटॉक पे ट्रेंड कर रहा था फिर सर्च किया कि हु इज़ मोंटी रॉय तो भैया ये बंगाली है कोलकाता का रहने वाला है और मेकअप आर्टिस्ट है और टिकटॉक पे इस वक्त ट्रेंड कर रहा है और इसीलिए सबसे ज़्यादा ये क्रश जो कुछ एक क्रश भी था लोगों का आजकल हाँ इसको बोल रहे ना नेशनल क्रश इंटरनेशनल क्रश क्या बोल रहे हैं इसको आई डोंट नो क्रश बन गया है बेसिकली लड़कों के लिए क्योंकि ये एक मेकअप आर्टिस्ट है लड़का है और इतना सुंदर लड़की बनता है ना कि लड़कियों को भी सीरियसली कॉम्प्लेक्स हो जाए और लड़कियां भी इतना नेचुरली सुंदर कोई भी चीज़ रिपीट नहीं होनी चाहिए रिव्यू में सब कुछ नहीं होना चाहिए तो जो चीज़ पहले बोल चुकी है मोंटी रॉय के बारे में वो रिपीट नहीं करना क्या बोली हूँ हाँ तो वो याद तू रखेगी कि क्या बोली वो रिपीट नहीं होनी चाहिए चीज़ें बैटरी जा रही है तो मुझे लेक्चर दे रहा है और सीरियसली जिन्होंने पहली बार जिनको नहीं मालूम कि ये लड़का है वो उसे लड़की ही समझेंगे दो इसके पास टैलेंट है एक तो मेकअप का बहुत इसके पास अच्छा टैलेंट है मेक ओवर हाँ और लड़की बनके वो लड़कियों जैसी अदाएं भी कर रहा है कि लिटरली लड़कियों को कॉम्प्लेक्स होगा क्योंकि इतनी ब्यूटीफुल लड़कियाँ भी नहीं हो रही होती हैं और दूसरी चीज ये है कि लड़कों को पता भी चल रहा है कि भाई लड़का है फिर भी क्रश वीडियोस देख रहे हैं नहीं नहीं वीडियोस देखना तो ठीक है फिर भी क्रश है उनको ये क्रश हो जाएगा नहीं, और हम अब बात करेंगे ट्रिगर्ड इंसान की तो उसको उनकी वीडियो देखने के बाद लग रहा था कि वाकई में झटके खा चुके हुए वीडियो देख के काफी दुख हो रहा है कि लड़का निकला यार ये झटके के हमको कुछ मुझे ऐसे लग रहा है ट्रेलर दिखे एक्चुअल झटका कुछ और ही होगा नहीं नहीं मुझे भी मैं भी बोलूंगा कि हाँ चाहे वो लड़का है पर हाँ मुझे पसंद आए पसंद आया हाँ मतलब सही है ना यार इसमें अभी झूठ बोलने वाली बात नहीं है देखो हम बोलते हैं ऑनेस्ट मुझे भी पसंद आया वो बहुत ब्यूटीफुल लड़की लग रहा है अब मैं तेरे को लुक दूँ अरे मैं उसकी मेकअप में उसकी कला की हाँ तू उसकी बात कर रही थी यार मेरे टाइम पे ये क्या अगर हम बात करेंगे वीडियो की तो इस भी जैसे अब मुझे नहीं पता कि किसकी वीडियो पहले आई थी ट्रिगर्ड इंसान की आई थी कि धीरू की आई थी वो हमें देखना पड़ेगा पब्लिश डेट पर मोंटी रॉय और ये जो हमारे अबू जान जो इधर उधर हो जाते हैं वो चीज़ें ली गई थी तो ऐसे ही होता है जितने भी रोस्टर्स होते ना उनकी थोड़ी वीडियोस जो होती थोड़ी सिमिलर होती है फर्क उनकी सिर्फ कमेंट्री में होता है कमेंट्री आजकल लोग कह रहे हैं कि टिकटॉक पे जो भी आता है मीठा होता जा रहा है इसको क्या बोलेगी फिर ये भी मीठा ही है मीठा है कुछ बहुत ये तो बहुत चाशनी में डूबा हुआ मीठा है मुझे लगता है कि ये
मैजिक कर रहा है सब लोगों के ऊपर मोंटी रॉय। उसके पास एक आर्ट है, एक दो आर्ट है और वो अपनी आर्ट का पूरा पूरा यूज कर रहा है। नाउ थिंग इज कि जो लोग बोलते हैं कि टिकटॉक वो टिकटॉक पे से कैसे चढ़ा जाए, तो ऐसे चढ़ा जाए जब जिसके पास एक्चुअल टैलेंट होता है। हमने काफ़ी जो, अगर हम बॉलीवुड की बात करेंगे तो काफ़ी जो हीरो हैं उन्होंने फीमेल एक्टर किया है, तो इसको मेरे हिसाब से रोज तो नहीं करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए। क्योंकि जो बॉलीवुड करने के लिए जा रहे हैं लेकिन रोस्ट कर नहीं पा रहे हैं, उल्टा उसका अप्रिसिएशन हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि बॉलीवुड में भी जैसे काफी हीरोज हैं जिन्होंने फीमेल रोल, आशीष चंचलानी ने फीमेल का वो एज अ फनी है, लेकिन जो बॉलीवुड में जैसे मेरे को रितेश का याद आ रहा है और एक चाची बनी थी और भी बहुत सारे रोले, कमल हसन चाची और भी तेरे को दो तीन नाम बता जो फेमस तेरे दिमाग में एकदम हाइलाइटेड हो, जो फीमेल रोल जिसने एक, हाँ एक चाची 420 पूरा फीमेल कैरेक्टर का, एक रितेश देशमुख का मुझे याद है, रितेश देशमुख बना है और याद नहीं आ रहा है। अरे ये ट्रेंड होता था, आजकल हम ये सब चीजें नहीं देख पाते। सो होप यू गाइज लाइक्ड दिस वीडियो।